आज हम लोग ड्राइव देखेंगे। ड्राइव में और भी बहुत सारे चीज है, सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर, पॉइंट नंबर वन आज के क्लास का। पॉइंट नंबर वन आज के क्लास का, हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर। ये न्यू दिख रहा है आप सबको ऑन द टॉप लेफ्ट, यस और नो? यस सर। इस पे क्लिक करिए, फोल्डर दिख रहा है। हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर, या फिर आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक करिए, आप फोल्डर बना पाएंगे। जैसे आप एक फोल्डर बना लेते हैं, उसको नाम दीजिएगा डे टू, और आज का डेट भी डाल दीजिएगा उसमें। आज का डेट क्या है एनीवन? आज का डेट क्या है? 17 अगस्त। 17 अगस्त। ठीक है, अब मैं इसको शेयर कर रहा हूं। प्लीज कमेंट इन चैट बॉक्स आपका ईमेल आईडी, आपका ईमेल आईडी प्लीज कमेंट इन चैट बॉक्स। प्लीज कमेंट इन चैट बॉक्स आपका ईमेल आईडी। प्लीज कमेंट इन चैट बॉक्स आपका ईमेल आईडी। फाइन, रितिका का ईमेल आईडी मेरे पास आ गया है, तो मैं कॉपी करके शेयर कर दे रहा हूं। रितिका, क्या आप अपना स्क्रीन शेयर कर पाएंगे? कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन? आर यू इन लैपटॉप? जस्ट अ सेकेंड सर, आई एम लॉगिंग इन थ्रू द लैपटॉप। वंस आई लॉग इन थ्रू लैपटॉप, आई ओके। कैन शेयर द स्क्रीन। स्वरूप, आर यू विद द लैपटॉप? ओह यस। स्वरूप, या प्लीज शेयर योर स्क्रीन। प्लीज शेयर योर स्क्रीन। गो टू द ड्राइव। अब आप देख सकते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। अब आप देख सकते हैं स्वरूप के ड्राइव में मैंने जो डे टू का फोल्डर बनाया वो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ फोल्डर है। इट इज माई क्रिएटेड फोल्डर। मेरे गूगल ड्राइव में, माई ड्राइव में दिखेगा। स्वरूप, कैन यू गो टू शेयर्ड विथ मी? क्या आप सभी को डे टू का फोल्डर दिखा? यस और नो? क्या आप सभी को फोल्डर दिखा? यस और नो? प्लीज कमेंट, इट्स एन इंटरेक्टिव सेशन। जी सूट का जो ट्रेनिंग है उसमें आपको भी बोलना पड़ेगा। क्या आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन में? यस, शेयर्ड विथ मी में दिख रहा है। सी, शेयर्ड विथ मी। फाइन, तो अभी आपको क्या करना है? स्वरूप, यू कैन स्टॉप शेयरिंग। मैं अभी आपको ड्राइव के जितने भी फीचर्स है उसके बारे में बता रहा हूं। माई ड्राइव का मतलब लिख लीजिए, प्लीज नोट डाउन। प्लीज नोट डाउन, माई ड्राइव मीन्स फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट्स विच आई हैव क्रिएटेड और अपलोडेड, जिसका ओनर मैं हूं, जिसका ओनर मैं हूं। और शेयर्ड विथ मी का मतलब होता है अगर किसी और ने मेरे से शेयर किया है, जैसे अनुषा गोइंका ने अपना फोल्डर मेरे से शेयर किया है। देखिए, मेरे पास ईमेल आया था कि अनुषा हैज इनवाइटेड टू व्यू द फॉलोइंग शेयर्ड फोल्डर, तो ये शेयर्ड विथ मी में आ रहा है। तो अभी आप सभी को ये करना है, आप सभी को अपने नाम का, आप सभी को फोल्डर बनाना है।
और मेरे इस आईडी में शेयर करना है, और फोल्डर का नाम होगा फुल नेम आपका और ब्रैकेट में आज का डेट, आपका फुल नेम और ब्रैकेट में आज का डेट। चलिए आप सभी नए वाले जीमेल आईडी में एक फोल्डर बनाएं और मेरे से शेयर करें, आपका फुल नेम एंड ब्रैकेट में डेट, एंड देन राइट क्लिक ऑन इट एंड देन क्लिक ऑन शेयर। मेरा ईमेल आईडी आप टाइप करेंगे एंड देन यू कैन प्रोसीड। अभी तक किसी ने भी मेरे से शेयर नहीं किया है, क्रिएट अ फोल्डर एंड शेयर इट विथ मी। क्रिएट अ फोल्डर एंड शेयर इट विथ मी। वेरी गुड, अनुषा गोइंका ने फोल्डर शेयर किया है, सिर्फ एक बच्चे ने अभी तक किया है, अंशुमन ने किया है। वेरी गुड, मेरे माई ड्राइव में नहीं दिखेगा क्योंकि ये आपका बनाया हुआ फोल्डर है, आप शेयर कर रहे तो मेरे शेयर विथ मी में दिखेगा। सिर्फ दो लोग ही किए हैं एंड देर आर अराउंड 6 पीपल इन द क्लास, अजय, अंशुमन, अनुषा, प्रियंका, रितिका, स्वरूप। जस्ट इन्फॉर्म एवरीवन इन द जी सूट ग्रुप दैट क्लास हैज स्टार्टेड। प्रियंका ने कर लिया, स्वरूप ने कर लिया, आई गेस वी हैव गॉट 2 मोर पीपल, रितिका एंड अजय, रितिका एंड अजय, कम ऑन सर देयर इज अ गो प्रॉब्लम विद माय कीबोर्ड सर, आई विल टेक सम टाइम, जस्ट अ सेकंड सर। जस्ट क्रिएट अ ब्लैंक फोल्डर एंड देन शेयर इट, नो इश्यूज। यू कैन ओके सर, सिंपली कॉपी, यू कैन सिंपली कॉपी द ईमेल आईडी एंड यू कैन शेयर इट विथ मी। नो अजय, तुम्हारा बनाया हुआ फोल्डर नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, तुमने शेयर नहीं किया मेरे ईमेल आईडी में। ये रहा मेरा ईमेल आईडी, शेयर विथ मी इन दिस ईमेल आईडी। रीसेंट मतलब एकदम लेटेस्ट, जो भी चेंजेस हुआ है ड्राइव में, जो भी अपलोड हुआ है वो दिखाएगा। स्टार्ट का मतलब आपको समझ में आएगा जब बहुत सारे फोल्डर्स रहते हैं और मेरे को आज सिर्फ इसमें काम करना है। मैंने इसको स्टार्ट कर दिया तो स्टार्ट में जाऊंगा, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट फोल्डर्स, ऑल द इंपॉर्टेंट फोल्डर्स शुड बी मार्क्ड एज स्टार्ट, ऑल द इंपॉर्टेंट फोल्डर्स शुड बी मार्क्ड एज स्टार्ट। यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ द फोल्डर, रेड मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ग्रीन मतलब ऑल ओके डिपेंडिंग अपॉन, येलो मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, फोल्डर्स के कलर चेंज कर सकते हैं आप, फोल्डर्स के कलर चेंज कर सकते हैं आप फोल्डर्स के कलर चेंज कर सकते हैं आप। रितिका, अजय, प्रियंका, स्वरूप, सबका फोल्डर आ गया। वेरी गुड, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अपलोड अ फाइल, अपलोड फाइल, कोई भी एक फाइल अपलोड कर दीजिए आप, कोई भी एक फाइल अपलोड कर दीजिए आप। गो अहेड, यू कैन अपलोड एनी फोटो, एनीथिंग, यू कैन अपलोड एनीथिंग। जाइए, आप एक फाइल अपलोड करिए, मैं चेक करूंगा अभी सबके फोल्डर में। अपलोड अ फाइल,
जिसका जिसका हो गया वो चैट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं उसी के फोल्डर में जाके देखूंगा। प्लीज अपलोड अ फाइल। स्वरूप का हो गया, वेरी गुड, स्वरूप हैज डन। तो रीसेंट में जाऊंगा तो जो जो चेंजेस हो रहा है वो सब दिखाया जाएगा। जैसे मैंने अपलोड किया तो रीसेंट में आ गया ये। ओनली स्वरूप हैज कमेंटेड, डन। व्हाट अबाउट अदर्स? हैव यू अपलोडेड अ फाइल? वेरी गुड, अजय हैज डन इट। प्रियंका हैज डन इट, ओके फाइन। अनुषा, अनुषा हैज डन इट, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अंशुमन एंड रितिका? गो अहेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ड्राइव में, आप हमेशा फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करके रखो। अगर मैं आपको हम लोग के सेंटर का गूगल ड्राइव दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि फोल्डर्स बना हुआ है एंड बहुत सारा फोल्डर्स नहीं भी है, बट मैक्सिमम फोल्डर्स में है। आप देख सकते हैं मैक्सिमम कहाँ है, फोल्डर्स बना हुआ है। एंड दिस इज द लिस्ट व्यू। यू कैन ऑल्सो हैव ग्रिड व्यू, दिस इज नोन एज ग्रिड व्यू। जब बहुत सारा आइटम्स हो जाता है तो ग्रिड व्यू इज इजी टू लोकेट। ग्रिड व्यू इज इजी टू लोकेट, यहां से चेंज होता है। आप देख सकते हैं यहां पर ऊपर से थोड़ा नीचे ग्रिड व्यू एंड दिस इज नोन एज लिस्ट व्यू। ऑलवेज कीप योर डेटा ऑर्गेनाइज, ऑलवेज कीप योर डेटा ऑर्गेनाइज, ऑलवेज कीप योर डेटा ऑर्गेनाइज। मैक्सिमम स्टोरेज ऑफ फ्री जीमेल अकाउंट इज 15 GB। उसके ज्यादा चाहिए तो आप खरीद लीजिए, उससे ज्यादा चाहिए तो आप खरीद सकते हैं। 100 GB, 200 GB, 2 TB, जितना चाहे आप खरीद सकते हैं। और ज्यादा चाहिए तो इससे बेस्ट होगा जी सूट अकाउंट भी खरीद सकते हैं, 2000 पर मंथ। यू कैन ऑल्सो बाई ऑन जी सूट अकाउंट। क्या बेनिफिट्स है? सपोर्ट क्या मिल सकता है आपको? क्या क्या प्लान्स अवेलेबल है? इसको गूगल वन प्लान बोलते हैं, दिस नोन एज गूगल वन प्लान। दिस नोन एज गूगल वन प्लान। दिस इज सिंक विद योर कंप्यूटर्स। क्या होगा, आप गूगल ड्राइव कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लोगे तो आप कंप्यूटर पे काम करोगे, ऑटोमेटिकली वो सिंक हो जाएगा गूगल ड्राइव पे। जैसे अपने फोन में सिंक करके रखते हैं वैसे, जैसे अपने फोन में सिंक करके रखते हैं वैसे। रीसेंट का मतलब मैंने समझा दिया, ट्रैश का मतलब मैं समझाता हूं। गूगल ड्राइव में जब भी आप कुछ भी डिलीट लिखते हो वो सीधा जाकर ट्रैश में चला जाता है। कुछ नहीं छेड़ोगे तो 30 डेज तक रहेगा, 30 डेज के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। इसको मैं रीस्टोर भी कर सकता हूँ, और जब मैं रीस्टोर करता हूँ ये उसी फोल्डर के अंदर जाएगा जहां पर ये पहले था, ये उसी फोल्डर के अंदर जाएगा जहां पर ये पहले था, ये उसी फोल्डर के अंदर जाएगा जहां पर ये पहले था। इस फोल्डर को मैं मूव कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके आई कैन मूव इट टू अ डिफरेंट फोल्डर। मैं इसको मूव कर सकता हूं डिफरेंट फोल्डर पे। तो देखिए डिफरेंट फोल्डर पे चला गया।
मैं किसी भी लोकेशन में अपने फाइल्स को या फोल्डर्स को मैं क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। अच्छा, अब एक चीज आप देखिए, दिस इज अ पीडीएफ ऑफ अ बुक, यस और नो? यहां क्या लिखा, पढ़ सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है? स्पेसिमेन कॉपी नॉट फॉर सेल। अच्छा, तो मैं इसके राइट क्लिक में जाकर के शेयर में जाऊंगा। क्या बोला मैंने, मैं कहां जाऊंगा? मैं पहले क्या करूंगा, फाइल के ऊपर मैं क्या क्लिक करूंगा? राइट राइट क्लिक। फिर मैं कहां जाऊंगा? शेयर। ये सेटिंग्स दिख रहा है यहां पर, यस यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, हटा दो। ठीक है, अब देखिए, मैं ये फोल्डर आपसे शेयर कर रहा हूं। आप मेरे को बताना कि क्या आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं। मैं शेयर कर रहा हूं आपसे ये फोल्डर, आप मेरे को देख के बताओ, कैन यू डाउनलोड द फाइल और नॉट? कैन यू डाउनलोड द फाइल और नॉट? क्या आप डाउनलोड कर पा रहे हैं? नो सॉल्यूशन। क्या आप डाउनलोड कर पा रहे हैं? जल्दी बताइए। तो नो सर। क्यों नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं? क्योंकि मैंने यहां से क्या किया है, मैंने यहां से कौन सा ऑप्शन हटा दिया है? मैंने यहां से क्या हटा दिया है? डाउनलोड प्रिंट एंड ऑप्शन को कॉपी। डाउनलोड क्या आप प्रिंट कर सकते हैं इसको? नहीं नहीं, कॉपी भी नहीं कर सकते। तो नहीं जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शेयर करते हो जो सामने वाले को खाली देखने के लिए चाहिए, तो आप क्या करोगे? शेयर में जा करके यहां से सेटिंग से ये वाला ऑप्शन हटा दोगे। इज इट क्लियर? यस यस और नो? यस यस सर। फाइन। यहां पे सर्च होता है, ये हो गया एडवांस सर्च। नॉर्मल कुछ सर्च करना, सर्च कर लो, ये क्या हो गया एडवांस सर्च। फोटो है, पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट है, ओनर तुम है या कोई और है, कहां पर लोकेशन है, कौन सा डेट लास्ट मॉडिफाइड है, क्या आइटम का नाम है। तो इस हिसाब से क्या कर सकते हैं आप, एडवांस्ड सर्च कर सकते हैं। दिस इज नॉर्मल सर्च, दिस इज एडवांस्ड सर्च, दिस इज नॉर्मल सर्च, दिस इज एडवांस्ड सर्च। इज इट क्लियर? दिस इज नॉर्मल सर्च, दिस इज, ये कौन सा सर्च है, ये कौन सा एडवांस एडवांस सर्च है? अब कोई मेरे को ये बता सकता है कि आज पूरे दिन में मैंने इस फोल्डर के साथ क्या क्या एक्टिविटी किया है? अगर किसी को कुछ भी याद है तो, इफ एनीवन रिमेंबर्स व्हाट ऑल एक्टिविटीज आई हैव परफॉर्म्ड। यू क्रिएटेड एन आइटम। हाँ, याद है किसी को भी कि आपने इस फोल्डर पे क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म किया है? राइट क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल्स, एक्टिविटी। ध्यान से देखिए, पहले मैंने ये फोल्डर बनाया, फिर मैंने शेयर किया, फिर मैंने पीडीएफ अपलोड किया, फिर मैंने किसी का राइट्स हटाया, फिर मैंने इसको डिलीट किया, फिर रिस्टोर किया, फिर मैंने एडिट किया। क्या एडिट किया? डाउनलोड ऑप्शन हटाया, फिर मैंने वापस इसको शेयर किया। तो आप समझ सकते हैं कि
एक फोल्डर में क्या क्या एक्टिविटी हुआ पूरा जज हो सकता है, एक फोल्डर पे क्या क्या एक्टिविटी अपना जज हो सकता है, मेरे को जानना है कि इस बच्चे ने होमवर्क किया या नहीं किया। मेरे को फोल्डर खोल के देखने का दरकार नहीं है, मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक करके व्यू डिटेल्स में जाऊंगा और एक्टिविटी में चला जाऊंगा। देखिए आप ध्यान से, अच्छा संडे को स्वरूप मजुमदार ने आइटम एडिट किया है, प्रतीक सिंघी ने आइटम हटा दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, अजय रगाड़े ने शेयर किया है, दैट्स इट, और किसी ने होमवर्क नहीं किया है। मेरे को खोल के देखने का जरूरत नहीं है, हो सकता है बाकी लोग ने उसी दिन कर दिया था, बट मेरे को यहीं से समझ में आ जाएगा वेदर सुमेधा हैज डन होमवर्क और नॉट। इज इट क्लियर? यस नो? यस। यहां से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, अभी से दो ही आइटम है और समझ में नहीं आ रहा है, बट यहां से सॉर्टिंग कर सकते हैं आप। दिस इज व्यू डिटेल्स, पूरे ड्राइव ओवरऑल ड्राइव में आपने क्या किया एंड पर्टिकुलर फोल्डर पे जाके करना है तो यहां से, ड्राइव का डिटेल्स चाहिए तो यहां से मिलेगा, पर्टिकुलर फोल्डर का चाहिएगा तो यहां से मिल जाएगा। सेटिंग्स है यहां पर आप देख सकते हैं, हेल्प, हेल्प का मतलब क्या होता है? सर मेरे को जानना है हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर, तो हाउ टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देख रहे हैं आप, ऑन द लेफ्ट क्लिक अ शेयर ड्राइव और एग्जिस्टिंग फोल्डर, क्लिक न्यू फोल्डर, एंटर अ फोल्डर नेम एंड क्लिक क्रिएट। How to organize your file, how to add files and folder, how to organize and search, set up a shared drive, keyboard shortcuts, organize your inbox, जितना भी जो चीज मैं सिखा रहा हूं कभी आप भूल जाए मान लीजिए तो आप यहां से सीख सकते हैं। कहां से सीख सकते हैं बोलिए तो, कौन सा बटन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सपोर्ट, सपोर्ट, गूगल सपोर्ट, दिस इज विथ सपोर्ट, इसको क्या बोलते हैं, इस नाइन डॉट्स को क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल दिस नाइन डॉट्स, एनीवन इन द क्लास, इस नाइन डॉट्स को क्या बोला जाता है, जल्दी बोलिए, इस नाइन डॉट्स को क्या बोला जाता है, ऐप लॉन्चर, इस नाइन डॉट्स इज नोन एज ऐप लॉन्चर, दिस नाइन डॉट्स इज नोन एज ऐप लॉन्चर, दिस नाइन डॉट्स इज नोन एज ऐप लॉन्चर, ऐप लॉन्चर, गूगल के सारे एप्लीकेशंस इसमें आ गए, गूगल के सारे एप्लीकेशन इस पे आ गए। अब मेरे को ये सब नहीं चाहिए, जबरदस्ती मेरे से फोल्डर शेयर किया गया तो मैं क्या कर सकता हूं, रिमूव कर सकता हूं। मैंने रिमूव कर दिया, रिमूव मतलब मैंने अपने, जैसे फेसबुक में टैग होता है आपको पता है, आपका फ्रेंड आपको टैग कर देता है, यस और नो, जबरदस्ती का, यस सर, आप क्या करते हैं वहां से रिमूव, आप क्या करते हैं रिमूव, अच्छा गूगल डॉक्यूमेंट में एक नया फीचर आया है,
आई विल रिक्वेस्ट एनी वन, अजय तुम फिर से एक फोल्डर क्रिएट करके मेरे से शेयर करो, चलो फटाफट। फिर से एक फोल्डर क्रिएट करके मेरे से शेयर करो, चलो फटाफट। फिर से एक फोल्डर क्रिएट करके मेरे से शेयर करो, आई एम वेटिंग। यस सर। आप देखिए मैं अजय के साथ अभी क्या करता हूं। डन जब आपको व्हाट्सएप में कोई इरिटेट करता है, फेसबुक में कोई इरिटेट करता है, तो आप उस बंदे या बंदी के साथ में क्या करते हो? क्या ब्लॉक करते हो आप? ब्लॉक ब्लॉक करते हैं। यहाँ पर क्या फीचर, ये नया फीचर आया है? क्या फीचर आया है? ये ब्लॉक ब्लॉक। अजय अपना स्क्रीन शेयर करिए प्लीज। अजय प्लीज शेयर योर स्क्रीन। अपने ड्राइव में जाइए, एक नया फोल्डर क्रिएट करिए। नाउ ट्राई टू शेयर इट विथ मी। ट्राई टू शेयर इट विथ मी। शेयर में जाकर के मेरा ईमेल आईडी मारिए। हाँ वेरी गुड, सही। प्लीज कांट शेयर विद प्लीज। कैन एवरीवन सी दिस, यस और नो? मार्केट में एकदम सर धुआं, मार्केट में एकदम नया आया है ये फीचर, दैट यू कैन ब्लॉक अ पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम शेयरिंग अ पर्टिकुलर ड्राइव। इज इट क्लियर? यस। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, आप खासकर इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर एक यूट्यूब वीडियो बना करके डाल सकते हैं कि देर इज ए न्यू फीचर इन गूगल ड्राइव विच प्रिवेंट्स अ पर्टिकुलर यूजर टू शेयर फाइल विथ अस। वरना बहुत बार क्या होता है, लोग बदमाशी करने के लिए कुछ इलीगल कंटेंट या कोई अनवांटेड सब्सटेंस आपसे शेयर कर देते हैं। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, उसमें आप भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। इज इट क्लियर? सो इफ सम स्पैम फोल्डर्स आर बीइंग शेयर्ड विथ यू, काइंडली ब्लॉक दैट पर्टिकुलर आईडी। इज इट क्लियर? यस आई होप आप सब कुछ सीख रहे हो। आप ऐसे ही मतलब जस्ट कीप ऑन शेयरिंग योर फीलिंग्स विथ मी सो दैट आई कैन मेक द क्लासेस मोर बेटर। कुछ फायदा हो रहा है आप लोग को, कुछ नया सीख रहे हैं आप लोग। जी सर। फाइन, यस सर। अजय यू कैन स्टॉप। तो मैं एक काम करना चाहता हूं, मैं अजय को अनब्लॉक करना चाहता हूं। तो अनब्लॉक मैं कैसे करूंगा? सेटिंग्स में जाऊंगा। आई कैन सी दैट So your screen is not visible. ओके फाइन। मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं है ना? आप देख रहे हैं, अभी दिख रहा है पर्सन ब्लॉक्ड मैनेज, यस और नो? कैन यू सी दिस? यस सर। यहां से जाकर आप क्या कर सकते हैं, यहां से जाकर आप क्या कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यहां से जाकर आप क्या कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं। तो मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप प्लीज गूगल ड्राइव में जाइए, इसके सारे फीचर्स को
ये जितने भी फीचर्स है ना, आप सबको एक्सप्लोर करिए एंड देन यू टेल मी वेदर यू हैव एनी डाउट्स और नॉट। जितने भी आइकन्स दिख रहे हैं आपको, आप सबको एक्सप्लोर करिए। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम, प्लीज एक्सप्लोर द गूगल ड्राइव ऑप्शन। मोबाइल में भी जाइए, मोबाइल में भी जा सकते हैं आप और गूगल ड्राइव के फीचर्स को चेक कर सकते हैं। इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग प्लीज आस्क। ट्राई टू अपलोड अ फाइल एंड अ फोल्डर। मेरे को एक ऐसा पॉइंट जानना है आप लोगों से जो कि मैंने नहीं बताया। गूगल ड्राइव में एक चीज करना इम्पॉसिबल है जो कि मैंने नहीं बताया। अगर आप मुझे उसे बता पाएंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। प्लीज टेल मी दैट वन पॉइंट विच आई हैव नॉट टॉट यू एट। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। Is it uploading folder? Your time has started. Please explore all the options. Let me see what I can teach you today. मैंने एक फोल्डर बनाया है यहां पर नया, वीपी रॉक्स। फोल्डर के अंदर क्या है? कुछ है? फोल्डर क्या है? खाली है? दिस फोल्डर इज ब्लैंक। अपलोड फोल्डर, अपलोड। क्या फोल्डर अपलोड हुआ? यस और नो? फोल्डर नो अपलोड नहीं हुआ। मेक अ नोट, अ ब्लैंक फोल्डर कैन नॉट बी अपलोडेड इन गूगल ड्राइव। अ ब्लैंक फोल्डर
cannot be uploaded in Google Drive. क्या फोल्डर अपलोड हुआ? क्यों? यस ठीक वेरी है, आपने उसके उसमें एक फाइल रखी। गुड। अब मान लो फोल्डर के अंदर मैं फोल्डर बना रहा, एपी रॉक्स, ठीक है। अपलोड डेस्कटॉप में जो फोल्डर है वीपी रॉक्स के अंदर एक पीडीएफ और एक फोल्डर है, यस और नो? यस सर। लेकिन ड्राइव के अंदर क्या हुआ? ड्राइव के अंदर क्या फोल्डर आया? नहीं क्योंकि वो भी एम्प्टी था। सब फोल्डर कैन ऑल्सो बी, सब फोल्डर भी क्या नहीं हो सकता एम्प्टी एंड हो सकता। जैसे कि आई एम एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, तो कैसे होगा? देखो, मेरे को मान लो एक वर्कलोड फोल्डर बनाना है, मैंने वर्कलोड का फोल्डर बना लिया। अब क्या करूंगा, मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाऊंगा और उसको ब्लैंक रख दूंगा, मैं इसको ब्लैंक रख दूंगा, मैं इसको सेव करूंगा। सेव हो नहीं रहे तो एक काम करूंगा, मैं इसमें कुछ भी डाल देता हूं। मैं ये एक हाँ, ये पीडीएफ ही मैं डाल दे रहा हूं। अब वर्कलोड में तो बहुत सारे टीचर्स होंगे, जैसे हमारे यहाँ पर है प्रवीण पटवारी सर है, अंकित पटवारी सर है, शिवांगी मैम है, और भी बहुत सारे मैम हैं। तो मैं यहाँ पे चार टीचर दिखा रहा हूँ, मैं अपना भी नाम इंक्लूड कर दे रहा हूँ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सारे फोल्डर के अंदर क्या करना पड़ेगा पता है? पेस्ट 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 पेस्ट। अब हम लोग ट्राई करते हैं, अपलोड करने का। लेट मी सी, आए सारे फोल्डर्स? इज इट क्लियर? गुड। यस सो आई गेस मोर और लेस गूगल ड्राइव इज क्लियर फॉर एवरीवन। यस अच्छा, हम लोग जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं ना, इसे मैं क्लास रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये गूगल ड्राइव में एक फोल्डर होता है मीट रिकॉर्डिंग्स बोल करके, ऑटोमेटिकली इसमें जाके सेव हो जाता है। चैट का जो भी चैट बॉक्स होता है उसका डॉक्यूमेंटेशन और क्लास का डॉक्यूमेंटेशन आकर के उसमें सेव हो जाता है। सो दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू? गूगल मीट का रिकॉर्डिंग कहाँ सेव होता है? गूगल मीट का रिकॉर्डिंग कहाँ सेव होता है? रिकॉर्डिंग्स के मीट रिकॉर्डिंग्स वाले फोल्डर में, ठीक है। तो मैं अभी एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसमें नाम दूंगा मैं अटेंडेंस, और मैं ऐसे अटेंडेंस लेना नहीं चाहता, रादर आई वॉन्ट टू क्रिएट अ गूगल क्लासरूम जो कि आप इनडेप्थली सीखोगे।
मैं क्रिएट कर रहा हूं अपना क्लास, दिस इज बैच टू, ऑगस्ट 2021, सब्जेक्ट गूगल फॉर एडुकेशन एप्स, एंड ये मेरा वर्चुअल हो रहा है, वर्चुअल रूम, फिजिकल होने से रूम नंबर दे सकते थे। मेरा क्लासरूम क्रिएट हो गया, अब मैं अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट करूंगा। आई विल रिक्वेस्ट माई डियर स्टूडेंट्स टू काइंडली क्लिक ऑन दिस लिंक एंड गेट एडेड एज माई स्टूडेंट। प्लीज क्लिक ऑन द लिंक एंड गेट एडेड एज माई स्टूडेंट। क्लिक ऑन द लिंक एंड गेट एडेड एज माई स्टूडेंट। अभी तक किसी ने किया है? वेरी गुड, स्वरूप हैज डन इट। व्हाट अबाउट अदर्स? प्रियंका, अजय, अनुषा, आई थिंक अंशुमन, आशीष, आई लेफ्ट। अब मैं एक टॉपिक क्रिएट कर दे रहा हूं यहां पर, अटेंडेंस। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, हैव यू अटेंडेड लाइव सेशन हेल्ड ऑन 17 अगस्त 2021? कितने ऑप्शंस रहेंगे? एक यस के, एक यस नो, सर। ड्यू डेट अभी, अ टाइम, मैं दूंगा 2:30 बजे तक का। और मैं आपको हर क्लास पे एक पॉइंट दूंगा। ठीक है, टॉपिक अटेंडेंस। सब कोई अपना अपना मेल चेक करेंगे, क्या लिखा हुआ है आपके मेल में? आपके मेल में क्या लिखा हुआ है? देखिए तो, चेक योर मेल। चेक योर मेल। मैंने 60 बच्चे जो आज के लाइव क्लास को अटेंड कर रहे हैं, मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा है, हैव यू अटेंडेड द लाइव सेशन ऑन 17/8/2021? जैसे जैसे आप रिप्लाई करेंगे, मेरा ये फिगर्स चेंज होते रहेगा। देखिए तो, किसी ने भी रिप्लाई किया, यस और नो? अभी तक किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया है। 4 लोगों ने रिप्लाई कर दिया, 3 लोगों ने रिप्लाई नहीं किया। प्रियंका, अजय, रितिका, लेफ्ट, प्लीज रिप्लाई, आई वॉन्ट टू शो यू। क्लास नॉट फाउंड करके मैसेज, क्या क्लास नॉट फाउंड ओपन करने की बात में। स्ट्रीम में जाइए, स्ट्रीम में होगा।
यस सबको 1-1 पॉइंट देना मेरे को। सिर्फ अजय ने अभी तक आंसर नहीं किया। दे दिया सर। ठीक है, रिटर्न आप सबके पास मेल चला जाएगा। देखिए सबके पास मेल गया। यस देख सकते हैं आप, ग्रेड्स आ गया आप लोग का। अच्छा, फिर से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ठीक लास्ट क्लास 14 अगस्त को हुआ था ना। यस जस्ट होल्ड ऑन। जनरली जो लोग क्लास अटेंड किए थे वो लोग यस लिखेंगे, बाकी लोग नो लिखेंगे। इज इट क्लियर? चलिए फटाफट आंसर करिए आप। फटाफट आंसर करिए आप। जो लोग यस थे वो लोग यस लिखेंगे, जो लोग नो थे वो लोग नो लिखेंगे। प्लीज आंसर फास्ट। अनुषा को मैं 0 दूंगा क्योंकि अनुषा ने क्या किया, क्लास अटेंड नहीं किया है। आशीष कुमार, अजय प्लीज रिप्लाई फास्ट। कितना टाइम लगता है बेटा यस क्लिक करने में? कर दिया आई नहीं रहा मेरे पास, तुम कैसे कर दिए बोल रहे हैं? हो गया, मैं रिटर्न कर दूंगा। इज इट डन? अब देखो, कैन यू सी दिस? अब मैं सेटिंग्स में जा करके ओवरऑल ग्रेड ऐड कर दू रहा हूं। अब आप देखिए, अभी तक प्रियंका, स्वरूप, अंशुमन, अजय, रितिका ने 100% क्लास अटेंड किया है। अनुषा और आशीष ने 50% क्लास अटेंड किया है। तो क्या ये एक अच्छा तरीका नहीं है ट्रैक रखने का? यस Have you done assignment? Yes or no? Is it clear?
यस यहां पर क्या हो रहा है सर, मेरे को ना ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, मेरे को असाइनमेंट, मेरे को एक काम करी, क्विज असाइनमेंट करिए आप। हैव यू डन द टास्क वन? तो मैं कर रहा हूं, एक क्विज फॉर्म बना रहा हूं। टास्क वन आपने परफॉर्म किया है कि नहीं किया है? चूज एनी वन, यस नो, आंसर की एक पॉइंट है, राइट आंसर कौन सा है? यस है, ठीक है। आपको एक ही बार आंसर देना है, फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपसे शेयर कर रहा हूं ये फॉर्म। पॉइंट्स कितना है? एक पॉइंट है इसमें। ड्यू डेट आज का ही देंगे हम। टॉपिक इज, नया टॉपिक है ये, टास्क। चलिए फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए आप इस क्वेश्चन को। फटाफट आंसर करिए इस क्वेश्चन को। इस ईमेल आईडी से ही करिएगा। इस ईमेल आईडी से ही करिएगा। सब कोई भर दीजिए, फिर मैं एक साथ रिलीज स्कोर करूंगा। अभी एक जन को और भरना है, आ गया, तो मैं रिलीज स्कोर कर दूंगा। जैसे मैंने स्कोर रिलीज कर दिया, आया क्या आपके पास में स्कोर? आ गया आप सबके पास में? यस और नो, स्कोर्स आ गया क्या उसमें? व्यू स्कोर करके आ गया सर, 0 क्यों आया? हाँ व्यू स्कोर। अच्छा हाँ मैंने आपको ईमेल भी कर दिया है, देखिए ईमेल भी आया होगा आपके पास में। यस सर, इज इट क्लियर? सर आप देख सकते हैं,
यहाँ पे मैंने अभी तक वो नहीं दिया है। मार्क्स नहीं दिए मेरे को, यहाँ पर मार्क्स बैठाना पड़ेगा। पासपोर्ट में जाऊंगा, यू असाइनमेंट में जाऊंगा, आई विल स्कूल। ठीक है ना, ठीक तो आज के क्लास में आपने क्या क्या सीखा है? आज के क्लास में हमने ड्राइव पूरा सीख लिया और गूगल क्लासरूम में कुछ कुछ फीचर्स आपने सीखे। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग डॉक्स स्टार्ट करेंगे, गूगल डॉक्स। इज इट क्लियर? प्लीज यस आप बहुत सारे पिक्चर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो ये सब एक फोल्डर में बना के रखिएगा ताकि हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डॉक्यूमेंट्स में यूज कर सकें। ठीक है ना? ओके ओके सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू सो मच।